गुजरात से मुंबई लाया जा रहा था अवैध गुटखा, वही नवी मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 2 को एक जानकारी मिली थी कि 17 जून को 12:30 बजे के आसपास IGPL नाके पर, जो कि नवी मुंबई में स्थित है, वहां पर अवैध गुटखे का टेम्पो आने वाला है और इसके अंदर जो है काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड के अवैध गुटखे मौजूद। जिसके बाद पुलिस ने टीम का गठन करते हुए जाल बिछाया और जाल बिछाने के बाद करीब 1:15 पर ये टेम्पो आई और टेम्पो आने के बाद पुलिस ने इस पर छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने 4,20,000 रुपये की इसमें गुटखे को जब्त किया और साथ ही साथ 6,00,000 रुपये की वाहन जो इसमें यूज हुई थी उसके साथ साथ टोटल जो है 10,70,000 रुपये की इसमें माल मत्ते को जब्त किया है। और माल मत्ते को जब्त करने के बाद 2 तलोजा निवासी को इसमें गिरफ्तार किया है। ये तलोजा निवासी जो है तलोजा के ही रहने वाले हैं और गुजरात से तलोजा ये गुटखा सप्लाई करने आए हुए थे, जिनका नाम सचिन साहेबराव गांगुड़े, उम्र 34 वर्ष है, और जिसमें दूसरे का नाम जो है मिथुन शेट्टी है, ये 33 वर्षीय है। और इनको अब गिरफ्तार करते हुए 22 जून तक पुलिस कस्टडी मिली है। फिलहाल पुलिस कस्टडी के दौरान क्या और जानकारी निकल के आती है ये अब देखने वाली बात। नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालयामध्ये पुलिस आयुक्त नवी मुंबई यांच्या निर्देशानुसार ड्रगमुक्त नवी मुंबई हे अभियान नवी मुंबई पुलिस आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने राबवत आहे आणि त्याच अनुषंगाने मिळालेल्या माहितीच्या आधारे क्राईम ब्रांच युनिट 2 चे पोलीस निरीक्षक श्री गिरधर गोळे व त्यांचं टीम, त्याचप्रमाणे पोलीस निरीक्षक श्री भोसले सेंट्रल युनिट क्राईम ब्रांच, या दोन्ही टीमनं वेगवेगळ्या रीतीने कारवाई करून नवी मुंबई IGPL नाका या ठिकाणी 5,00,000 रुपये किमतीचा गुटखा आणि 1 टेम्पो मिळून मोबाईल साहित्यासह 11,00,000 रुपयाचा मुद्देमाल, त्याचप्रमाणे आदई या ठिकाणी या गावामध्ये 2 आरोपींच्या मुसक्याहून सेंट्रल युनिटनं 1,50,000 रुपयाचा गुटखा व साहित्य बरामद केलेलं आहे। 1,12,00,000 रुपयाचा गुटखा साहित्य क्राईम ब्रँचनं जप्त केले। याच्यामध्ये 4 आरोपींना अटक करण्यात आली असून 2 आरोपींचं मॅजिस्ट्रेट कस्टडीमध्ये असून 2 आरोपींना पोलीस कस्टडी रिमांडमध्ये ते आहेत। त्यांच्याकडे हा गुटखा त्यांनी कुठून आणि कोणाच्या मार्फत आणला याबाबतची पुढचा तपास क्राईम ब्रँच युनिट 2 आणि सेंट्रल युनिट एकत्रितरित्या करत आहे आणि तपास सुरू आहे। ऐसी तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के।